गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ योर मॉक टेस्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन विद इन सेल. कि सेल के विद इन आपको डिवीजन ऑफ लेबर विजिबल होता है. सो ये आपका बिल्कुल ट्रू है. सी हम बात करते हैं, दिस इज अ सेल, ठीक है, और सेल के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. और हर ऑर्गेनेल्स का आपका स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन है. हर ऑर्गेनेल क्या कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. आपका यहाँ पर फूड बनाने का काम कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, ओके. एनर्जी फॉर्म करने का काम कर रहा है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया. लाइकवाइज आपका यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्ट को निकालने का काम, यानी कि डाइजेस्टिव या स्केवेंजर ऑर्गेनेल आपका कौन है, लाइसोजोम है, जो कि आपका डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोरेज का, फूड स्टोरेज या वेस्ट स्टोरेज कौन कर रहा है, तो स्टोरेज का काम आपका कौन कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है. तो बिल्कुल सेल के अंदर आपके जो ऑर्गेनेल्स है, हर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर मतलब काम, डिवीजन मतलब डिवाइडेड होता है कि हर ऑर्गेनेल अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो ये हमें देखने को बिल्कुल मिलता है. सो राइट आंसर यहाँ का क्या होगा, ट्रू है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड स्टोर स्टार्च इन अमाइनो एसिड इनसाइड इट. तो हमने यहाँ पर बात की प्लास्टिड की. प्लास्टिड आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पिगमेंट को स्टोर करते हैं, ओके. अब यहाँ पर तीन तरह के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट स्टोर करता है. कलर पिगमेंट आपका स्टोर करने का काम कौन करता है, क्रोमो. कलर के लिए यहाँ पर आपका पिगमेंट का नाम जेंथोफिल या कैरेटिनॉइड्स भी आपका लिखा मिल सकता है बच्चे आपको रेफरेंसेस में. तो जेंथोफिल और कैरेटिनॉइड्स, दिस इज जेंथोफिल, जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स एक कलर्ड पिगमेंट को ही कहा जाता है. अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ल्यूकोप्लास्ट है, इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड. ये कलरलेस यानी कि पिगमेंटलेस प्लास्टिड होता है. तो इसमें पिगमेंट स्टोर नहीं होता है, इसमें क्या स्टोर किया जाता है, स्टार्च और अमाइनो एसिड. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ ड्राई एप्रिकोट आर लेफ्ट ओवर इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर टू द शुगर सोल्यूशन. देखो आपका जो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में आपका क्या होगा, एप्रिकोट है. एप्रिकोट या कोई भी आप रेजिन्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एप्रिकोट या ड्राई रेजिन्स होते हैं, उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है. सॉल्यूट ज़्यादा है तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, ओके. सॉल्वेंट कम होगा तो यहाँ पर जब इसे आप वाटर के अंदर डालते हो, जैसे आप रेजिन ले लो, किशमिश जब आप डालते हो तो आप देखते हो रेजिन पानी में डालने के बाद स्वेल हो जाता है. तो इसी तरह से एप्रिकोट जो है वो भी आपका क्या होगा, स्वेल होगा. तो यहाँ पर जब आपने प्योर वाटर में छोड़ा तब ये हो गया स्वेल. अब सेकेंड कंडीशन क्या, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र कर दिया शुगर सॉल्यूशन में. अब ये एक रेजिन है जो स्वेल हो चुका है, इसको मैंने शुगर सॉल्यूशन में डाला. शुगर सॉल्यूशन में कह रहे हो यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा, और सॉल्वेंट क्या है, कम है. तो अब यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, वाटर कम है, तो वाटर इससे निकल के कहाँ आएगा, बाहर मीडियम में आएगा. तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले तो ये स्वेल हुआ, लेकिन अब पानी वाटर निकलने की वजह से क्या होगा, इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट जब आप लेफ्ट ओवर करेंगे प्योर में तो ये स्वेल हुआ ड्यू टू एंडोस्मोसिस. देखो एंडो टर्म होता है इनसाइड, ओस्मोसिस होता है वाटर का मूवमेंट. जब रेजिन में पानी अंदर गया तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडो ओस्मोसिस. और जब यहाँ से पानी बाहर आया तो हम इसे कहते हैं एक्सो. एक्सो टर्म होता है बाहर के लिए, तो उसे हमने कहा एक्सो ओस्मोसिस. सो बच्चे यहाँ पर पहले स्वेल हुआ किस वजह से, एंडो ओस्मोसिस की वजह से. उसके बाद श्रिंक हुआ किस वजह से, एक्सो ओस्मोसिस की वजह से. तो एंडो ओस्मोसिस में वाटर क्या है, इनसाइड मूव करता है, और एक्सो मतलब होता है यानी कि बाहर, वाटर जो है वो आउटसाइड बाहर मूव करेगा, ओके. आई होप योर स्टेटमेंट आपको क्लियर हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इनमें से किस प्लांट की आपकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई है, तो हम रिवीजन क्लास में भी कर चुके. देखो मैंगो आपका प्लांट है, कैक्टस आपका प्लांट है, स्पायरोगायरा क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एल्गा. तो ये तीनों एल्गा भी क्या होते हैं, प्लांट होते हैं. तो इन तीनों में ही आपका क्या है, सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होगा सेल वॉल में. बट ईस्ट अगर हम देखें
ईस्ट इज अ फंगस, ये फंजाई है, और फंगस की सेल वॉल आपकी किससे बनी हुई होती है, काइटिन। तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, काइटिन प्रेजेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, नॉट पूछा है, नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर ईस्ट की जो सेल वॉल है वो नहीं बनी हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द अनडिफाइंड रीजन ऑफ प्रोकैरियोट, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट। न्यूक्लियर रीजन पूछा है प्रोकैरियोट का, तो सिंपल सा है, आपको ये पढ़ाया हुआ है। प्रोकैरियोट के अंदर आपका ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो लैक होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड। और ये न्यूक्लियॉइड आपका जो है किस तरह का होगा, ये न्यूक्लियॉइड आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सर्कुलर होगा विदाउट मेम्ब्रेन होगा। तो सर्कुलर एंड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियॉइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज एनर्जी करेंसी इन सेल। आपको ये ट्रू या फॉल्स बताना है। सबसे पहले तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये बिल्कुल आपका एनर्जी करेंसी की तरह वर्क करता है सेल में। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिलअप था, विच ऑर्गनली इज नोन एज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर पूछा जाए या डाइजेस्टिव बैग पूछा जाए या सुइसाइडल बैग पूछा जाए, सुइसाइडल बैग पूछा जाए। तो यहाँ पर आपका तीनों ही टर्म आपका किससे रिलेटेड है, लाइजोसोम। लाइजोसोम को ही आपका स्कैवेंजर, सुइसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग एंड यहाँ पर इसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गार्बेज डिस्पोजल बैग। ओके, सो यहाँ लाइजोसोम करेक्ट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इनमें से किसको हम क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चा आपका वायरस, क्योंकि ये आपका ए सेलुलर नॉन लिविंग है, तो ये सेल नहीं है, ये एक्चुअली प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन एंड इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड यहाँ प्रेजेंट होगा। और ये ए सेलुलर होता है नेचर में, यानी कि सेल नहीं होता है, बट ये बाहर तो नॉन लिविंग होता है, बट ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एंटर करता है, अज्यूम करिए किसी सेल में ये वायरस एंटर किया, तो यहाँ पर ये आफ्टर एंटरिंग इन अ सेल ये आपका लिविंग बिहेव करता है, क्योंकि ये इस सेल के मशीनरी को, ऑर्गेनलीज को हाईजैक करके अपना काम करवाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन क्रिस्टल से बना हुआ होता है वायरस, इसे आप क्रिस्टल्स में तोड़ सकते हैं। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज वायरस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको मैंने बताया है प्रोकैरियोट में जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, एक तो न्यूक्लियर के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अलावा जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं वो भी यहाँ पर क्या होती हैं, एब्सेंट। मींस यहाँ ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना वैक्यूल्स है, क्योंकि सबकी मेम्ब्रेन होती है, बट यहाँ एक ऑर्गेनली है जो मेम्ब्रेन, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस है। तो ये आपका राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट में मिलता है 70S टाइप का, और ये आपका मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली भी है। तो ये आप याद रख सकते हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। मेम्ब्रेनलेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनली बच्चा स्प्लिटेड होता है दो पार्ट्स में, एक इसकी लार्ज सब यूनिट और एक इसकी स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पर जब आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तभी इसे असेंबल किया जाता है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और फिर ये जाकर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, राइबोसोम। सो द राइट ऑप्शन इज राइबोसोम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था टेस्ट का, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें आपको ऑड वन आउट निकालना था,
तो पहला स्टेटमेंट है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट होता है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सॉल्यूशन ले रहे हो, उसके अंदर कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वाटर मूव कहाँ करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, वाटर की मूवमेंट सॉल्यूट पर सब्सटेंसेस पर डिपेंड करती है। देन मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। देन द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ईजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है बच्चा यहाँ पर लिपिड, जो मॉलिक्यूल आपके लिपिड सॉल्युबल हो, देखो सेल मेम्ब्रेन है और ये आपके लिपिड से बनी हुई है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं वो तो इजीली यहाँ से पास हो जाएंगे ना। तो यही चीज़ कही है कि वो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ईजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, कि आपके मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईजिली पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन आपकी किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। देन लास्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन प्रोटीन एंड लिपिड ही रहेगा। ये आपका काइटिन जो है ये फंगस की सेल वॉल में मिल सकता है, ठीक है, सेल वॉल। सो दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्यू मोर MCQ रिलेटेड टू द चैप्टर सेल। थैंक यू।